वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिहार की खास और फेमस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये रेसिपी अक्सर घरों में दिवाली में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ओल की सब्जी या फिर कह सकते हो जिमीकंद या सुरन की सब्जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। फ्रेंड्स, इसे चावल के साथ या फिर रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 500 ग्राम ओल लिया है और ये जो ओल है इसकी एक और प्रजाति होती है, डैट मीन्स बिहार में दो तरह के ओल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो ओल है इसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और वो जो ओल होते हैं उसमें खुजली नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स केयरफुली या तो आप सरसों तेल आप अपने हाथों में लगा लीजिएगा या फिर ग्लव्स आप अपने हाथों में इस तरह से लगा के और इसके छिलके को आप इस तरह से आप पील कर सकते हो। तो मैंने ओल के एक टुकड़े को इस तरह से लिया है और इसके छिलके को मैंने नाइफ की हेल्प से इस तरह से मैंने पील कर लिया है। फ्रेंड्स, ओल जो होता है इसका कह सकते हो ये थोड़ी सी खुजली, मतलब या फिर कह सकते हो थोड़ा सा इसका ये नेचर होता है खुजली वा, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आप इसके छिलके को उतारिएगा। और ये देखिए मैंने इसके छिलके को उतार लिया है और इसे मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लेनी है। तो सारे ओल के पीसेस के मैंने कर लिए हैं, डेट मीन्स छिलके को मैंने उतार लिया है और इस तरह से ओल के मैंने पीसेस कर लिए हैं। यहाँ भी फ्रेंड्स मैंने अपने ग्लव्स को उतारा नहीं है क्योंकि वॉश करने के दौरान क्या होता है कि हाथ में थोड़ी ज़्यादा खुजली होती है। तो यहाँ पे इसके जितने भी मिट्टी थे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था इसे मैंने पानी में इस तरह से वॉश कर लिया है। तो 4 से 5 पानी में मैंने इसे इस तरह से वॉश कर लिया है और ये देखिए मेरे ओल जो है अच्छे से वॉश हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि घर की सब्जी की बात ही कुछ और होती है और इस तरह की सब्जी अक्सर हमारे घर में नानी, दादी और मम्मा बनाती थी और आज लोग नहीं इसे बनाते हैं। बट ऐसी बात नहीं है, इसे बनाना बहुत आसान है। इस तरह की रेसिपी आप लोग बनाइए और लक्ष्मी पूजा में तो अक्सर घरों में बनाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मोटे तले का इस तरह से कढ़ाई ले लिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और 1/2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड यहाँ पे डाल दिया है, डेट मीन सरसों के दाने डाल दिए हैं। 1 रेड वाली मिर्ची को मैंने इस तरह से तोड़ के डाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि ओल की जो सब्जी होती है इसमें थोड़े से ऑयल ज्यादा इसमें डाले जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो फोरन थे, दैट मीन सरसों और मिर्ची थी, अच्छे से चटक रही है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और ये देखिए हमारे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके थे और मैंने अभी भी ग्लव्स नहीं उतारा है क्योंकि मुझे बहुत खुजली होती है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ग्लव्स को नहीं उतारा है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके थे, ओल मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं ग्लव्स को उतार लूंगी फ्रेंड्स क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा खुजली करती है, इसलिए मैंने इसे ग्लव्स पहन के ही इसकी सारी प्रिपरेशन की थी। और यहाँ पे मैंने इस तरह से स्पेशला की मदद से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो जिमीकंद को आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। कहीं कहीं फ्रेंड्स इसे सुरन भी कहा जाता है और बिहार में तो लोग इसे ओल के नाम से ही जानते हैं। और ये देखिए हमारी जो ओल है अच्छे से भून चुकी है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में से ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेम्पटिंग ये सब्जी है और लोगों को लगता है कि ये थोड़ी सी टफ है, हम लोग नहीं बना पाएंगे। बट ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 टेबल स्पून अदरक, लहसुन, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट लिया है, मैंने पहले ही इसे अच्छे से पीस लिया था। और इसे फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स करनी है, सब्जी में मसाले जितने अच्छे से भून जाएंगे आपकी सब्जी बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स यही 4 मसाले मैंने, डेट मीन्स 3 सूखे मसाले डाले थे और 4 मैंने अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिए थे, वही मैंने इस तरह से डाल दिए थे। यहाँ पे फ्रेंड मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे तो मैंने यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार इस तरह से डाल देनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी जो कलर है कितनी अच्छी और कितनी प्यारी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ऐसी बात नहीं है कि जो टिपिकल या फिर ट्रेडिशनल सब्जी होती है उसे हम लोग या फिर आजकल की जनरेशन नहीं बना सकते हैं, बस थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत लगती है बट सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही प्यारी बनती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो
और गरम मसाला की जगह फ्रेंड्स मैगी का जो मैजिक मसाला आता है उसे भी आप एक पैकेट इसमें डाल दीजिएगा। सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गरम मसाला को इसमें इस तरह से डाल दिया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ड्राई सब्जी भी कह सकते हो बन के तैयार हो गई है। बट हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी थी, इसलिए मैं इसे इसमें थोड़ी सी इसमें पानी बाद में मैं ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और इस दिवाली इसे जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि दिवाली तो बहुत दूर है फ्रेंड्स, बट मेरे घर में ये आया हुआ था तो मैंने सोचा इसे मैं बना रही हूँ, तो ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरी ओल अच्छे से भून चुकी थी मसाले में, मैंने यहाँ पे 2.5 कप मैंने पानी डाल दिया है, और यहाँ पे पानी डालने के बाद मैंने लीड को लगा देनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी थोड़ी सी कम थी, तो बाद में मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और लीड को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इस तरह से लगा दिया है। और 8 मिनट के बाद जब मैंने लीड को हटाया तो ये देखिए हमारी ओल जो थी अच्छे से पक चुकी थी फ्रेंड्स। बट इस स्टेज में हमने यहाँ पे एक मैंगो पिकल लिया है, 2 टेबलस्पून पानी मैंने लिया है, और इस मैंगो पिकल को अच्छे से पानी में घुला लेना है, डेट मीन्स मिक्स कर लेना है और वही पानी को इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स ये बिहार में इसी तरह से बनाई जाती है, इसलिए मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पानी में जो मैंगो पिकल को मिलाया था इसमें इस तरह से डाल देनी है, फिर से फ्रेंड्स 2 मिनट के लिए इस तरह से लीड लगा देनी है। 2 मिनट के बाद अच्छे से मैंगो पिकल इसमें सोख हो जाते हैं और ये देखिए हमारी सब्जी इस तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। और ये देखिए मैंने इस ओल की सब्जी को इस तरह से एक सर्विंग बाउल में इस तरह से निकाल लिया है, और ये देखने में बहुत ही प्यारी, बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही डिलीशियस लग रही है फ्रेंड्स। और इस तरह की रेसिपी आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी, हेल्दी सी और टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।